भारतीय किसान सभा के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा में महापंचायत में शामिल होने के लिए गाँव के हजारों हजार किसान प्राधिकरण के लिए कूच कर चुके हैं। ये महापंचायत किसानों की विभिन्न मांगों मुद्दों को लेकर हो रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार किसानों की मांगों की उनकी समस्याओं की उपेक्षा कर रहा है। आज बड़ी संख्या में किसान अपना हक लेने के लिए आए हैं। 1991 से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जमीन का अधिग्रहण करता आ रहा है, जिसमें जो कई बार जमीन के मुआवजे को लेकर के जो मांगे उठती रही। सन 2007 में तत्कालीन बसपा सरकार के कार्यकाल में, शुरुआती कार्यकाल में मांग उठी, जिसमें जो घोड़ी बछेड़ा जैसी, जैसा कि किसान धरना रख थे, घोड़ी बछेड़ा जैसा कांड हुआ, उसके बाद में जो सरकार ने उन किसानों की सुध लेते हुए मुआवजा वृद्धि की, उसके बाद में वो भी कम था, लेकिन किसानों ने कहा चलो ठीक है, उस उनको जो विकास की जो दुहाई दी गई कि क्षेत्र का विकास है, ये है फलाना ढिकना। उसके बाद में तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में जो भत्ता पार्सल की घटना हुई, उसमें जो मुआवजा 1600 रुपये के आसपास जो बढ़ाया गया, जो कि कम था, लेकिन किसानों ने जो उसका विरोध किया, हाईकोर्ट से जो जमीन अधिग्रहण रद्द हो गया, उसके बाद में मुआवजा वृद्धि को जो सरकार ने एकमुश्त 3500 रुपये निर्धारित किया, जो कि उस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से 2013 का जो कानून 1894 को निरस्त करके जो बनाया गया, उसके हिसाब से कम था। ये जो आंदोलन है और इस आंदोलन में 39 गांवों के अधिग्रहण से प्रभावित किसान हैं, किसानों की 10% आबादी प्लॉट, 4 गुना मुआवजा, 17.5% प्लॉट का करना, न्यूनतम 120 वर्ग मीटर का प्लॉट, रोजगार की नीति बना करके रोजगार दिए जाए, लेकिन हमको गांव के बच्चों को स्कूलों में प्राथमिकता दी जाए, स्वास्थ्य की जो निःशुल्क व्यवस्था कराई जाए, परिवार को 40 ये धरना जो है 25 अप्रैल से लागू हुआ था, जो कि निश्चित काल के लिए लगा है। जब तक हमारी जो है किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस धरने में महिलाएं काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि ये धरना खाली किसानों को नहीं, महिलाओं से भी समस्याओं, महिलाओं के साथ भी है, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हुई प्लस जो है उनकी अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे रोजगार के लिए इस धरने में शामिल हुई है।